जी मैं तुहानूं GSTR 1 उस कंपनी की भरनी सिखा रहा या दिखा रहा भर के जिस व्यक्ति या जिस कंपनी की बिल्कुल ब्लैंक है। ड्यूरिंग द मंथ ना कोई सेल हुई है ना कोई परचेज हुई है, तो वो मैं रिटर्न भरूंगा तो नाल दी नाल मैं समझाऊंगा कितना भर रहे हैं। सब तो पहला मैं की किया GST की वैबसाइट पर चले गया, लो इतों दोबारा जाना GST.gov.in, ये मैं लॉगिन पर क्लिक किया। उसके बाद उन्हें पूछा यूजर नेम, हुण वो कंपनी या उस फर्म का जिहड़ा यूजर नेम है वह मैं लिखण लग्या, तो इहदा पासवर्ड जो भी है वह मैं लिखण लग्या, तो उस तो बाद इहदे ते अक्षर भर के लॉगिन करता। लॉगिन हो गया हुण इहदी दसंबर महीने की आपां रिटर्न भरनी है जिहदी लास्ट डेट 11 कल दी है, अज 10 तरीक हुई है। मैं इहदी रिटर्न भरन वास्ते रिटर्न डैशबोर्ड पर जाऊँगा, आ बटन ना रिटर्न डैशबोर्ड इनू जो क्लिक किया रिटर्नस का डैशबोर्ड खुल गया। इतों मैं दिसंबर की रिटर्न भरनी है, वह क्वार्टर थर्ड है, तो मैं इतों थर्ड क्वार्टर चूज़ किया। ये 3 महीने आते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैं दिसंबर चूज़ करके सर्च करता क्लिक। हुण की होया जी GST 1 यह खाली है, इनू मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पर जाना, इहदियां जिन्नियां भी शीट्स ने सारियां ब्लैंक जो हैं ये ठीक ने, मैनू कुछ नहीं करन की लोड़ पैनी। मैं सिर्फ ये कहूँगा जनरेट GST 1 समरी। जदों मैं बटन क्लिक किया तो मैसेज आ गया जनरेट GST 1 समरी प्रोसैस इज इनिशिएटेड पोस्ट कंप्लीशन ऑफ रिक्वेस्ट प्रीव्यू PDF समरी शैल बी एनेबल्ड, यू कैन क्लिक रिफ्रैश आइकन टू चैक द कंप्लीशन ऑफ रिक्वेस्ट, प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट्स टू रीजनरेट समरी अगेन। ओके हुण समरी बना रहा, तो जे आपां देखना कि बन गई कि नहीं बन गई, इहनू क्लिक करो रिफ्रैश नूं, समरी बन गई इह, हाँ बिल्कुल हुण दे टाइम तों कुछ सैकेंड पहलां बनी है समरी बन गई। तो फिर आपां प्रीव्यू कमांड दे के वो देख सकते हैं, पर अपना डाटा खाली है, असीं इहनू सेव करना है, इहनू सबमिट करना है। आ बटन क्लिक किया, आई एक्नोलेज दैट आई हैव रिव्यूड द डिटेल्स, बस सिर्फ सबमिट पर क्लिक करते हैं। जदों सबमिट पर क्लिक करते हैं मैसेज आ गया जे तुसीं सबमिट करते हो सेव हो जूगा, उस तो बाद कोई चेंज नहीं कर सकोगे। मैं वेरी मच श्योर हाँ कि इहदी जिहड़ी रिटर्न है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इदा ही है, इहदे च कोई चेंजेस है नहीं है, इस करके मैं इहनूं प्रोसीड पर क्लिक करता। ओके हुण मैसेज आ गया योर सबमिट रिक्वेस्ट इज़ रिसीव्ड, प्लीज़ चैक द स्टेटस इन सम टाइम, मतलब इत्थे की है मे बी इट विल टेक अ फ्यू सैकेंड्स टू कंप्लीट द प्रोसैस ऑफ सबमिशन। हुण आफ्टर ए फ्यू टाइम मैं इनू रिफ्रैश करदा, रिफ्रैश करते हैं, दैन देखियो ये फाइल रिटर्न वाला बटन रेडी है, पहला नहीं सी, सबमिट हो चुकी है। हुण फाइल रिटर्न पर जो क्लिक करूँगा तो OTP जाऊगा ओनर दे मोबाइल पर, OTP जाऊगा, OTP मैं लाऊँगा फोन दे उपर, ते वो OTP मैं फिल कर दूंगा। हुण मैं ओनर नूं फोन डायल करन लग्या तां कि मैं उहनां तों OTP ले सकां। फाइल रिटर्न ते जदों क्लिक किया आ ओनर दे नाम ते आ गया आ EVC। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी हाँ जी। एक तुहानूं OTP आया जी, हुणे देखियो जी। अच्छा एक मिनट। हेलो। हाँ जी बोलो जी। ए हैगा C38। हाँ जी। 21E। ठीक है जी, एक मिनट जी। हाँ जी हो गया जी, रिटर्न फाइल हो गई। एक दूजी भी हैगी है जी, मैं थोड़ा दोबारा कॉल करदा, उदा भी मैं थोड़े तो OTP एक बार होर लूंगा जी। ठीक है जी। राइट जी, सत श्री अकाल जी, फिर मिलते हैं जी। तो जी मैं OTP लैके रिटर्न फाइल कर दी, बस रिटर्न फाइल होगी, इट्स फिनिश, GST 1 यदि फाइल होगी। हुण जे तुसीं रिटर्न डैशबोर्ड पर दोबारा जाते हो, ये आप फिर चूज़ करते हैं क्वार्टर थर्ड का दिसंबर का, तो यू विल सी कि यदि जी GST 1 है फाइल हो चुकी है। हुण मैं यदि GST 3 भी बिल्कुल ब्लैंक है, रिटर्न की वैसे तो लास्ट डेट 20 है, पर कोई डाटा ही है नहीं गा, 20 भी इदा ही भरनी है, सो मैं हमें भरन लगे हैं।
ਰਿਪੇਅਰ ਆਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਲ ਨਿਲ ਰਿਟਰਨ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯੈਸ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਹੂੰਗਾ ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਈ ਵੀ ਸੀ 'ਤੇ ਓ ਟੀ ਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓ ਟੀ ਪੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਓ ਟੀ ਪੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਓ ਟੀ ਪੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ 073। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਫਾਈਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।